हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फायर अलार्म पैनल का कनेक्शन कैसे करते हैं। ये हमारे पास 8 जोन का एक पैनल है, तो इसमें हम एक एमसीपी से कनेक्शन करके देखते हैं। आप लोगों को बताएंगे कि कनेक्शन कैसे होता है इसका। एमसीपी पैनल से ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे जोन 1 है तो यहाँ से पहले ये गया डिटेक्टर में, उसके बाद फिर निकल के चला गया एमसीपी में मैनुअल कॉल पॉइंट में, और फिर इसी के जोन के बगल में एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये फूटर के लिए निकल के चला गया। और इसके लिए एक अलग से एनोएंसी कॉमन है, अगर हमें 220 का हीटर हूटर लगाना हो तो उसके लिए हम यहाँ से अलग से इसको 220 की भी सप्लाई दे सकते हैं। तो अभी हम करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ये सप्लाई हम दे रहे हैं 220 वोल्ट एसी इसको, क्योंकि इसमें बैटरी का बैकअप भी होता है, तो 7.2 AH की बैटरी भी लगती है। 7.2 AH की बैटरी लगा करके जैसे पीछे से पावर कट गई तो इसको बैकअप मिलता रहे उसके लिए। तो अभी हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हम इसको केवल चला के देख रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं इसका कि ठीक है पैनल या नहीं। तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट हमने दे दिया सप्लाई। अब हम आगे जो है इसके EMCP से कनेक्शन करके इसको बजा के देखेंगे फायर अलार्म बजता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये हमने एक MCP यहाँ पे कर लिया है। अब हमने यहाँ पे MCP को जोड़ दिया है ये, और ये यहाँ पे हमने AC वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट। अब ये हमने इसको हाथ से पकड़ रखा है, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्लास लगता है जिससे कि ग्लास को हम ब्रेक करते हैं तो अलार्म बजता है। तो इसको हम हटाएँगे, और इसको हटाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। हटाना भाई, इसको हटा दिया तो ये जोन नंबर 1 यहाँ पे पैनल पे ये जोन नंबर 1 हाई हो गया। दबाना एक बार, ये अब बंद हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका हूटर की तार हम कहाँ लगाते हैं। तो हूटर की जो वायर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा 2 NO और 2 NC पॉइंट हमें मिलता है यहाँ से, तो इसमें हम यहाँ से ये लगा देंगे 1 NO और 1 NC यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब इसको छोड़ना, इसको स्विच को, ये जैसे ही स्विच को छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये हमारा रिले ऑन हो गया है। ऐसे ही ये ऊपर 8 जोन का पैनल है, तो ये 8 जोन है यहाँ पे, इनमें से हर एक जोन से वायर आके लग जाएगी। और जैसे ही कोई जोन में कोई ग्लास तोड़ता है या डिटेक्टर कोई डिटेक्ट करता है तो ये हमारा अलार्म यहाँ से बच जाएगा। तो फायर अलार्म पैनल का कनेक्शन ऐसे होता है।